बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, निकले गम फिर भी कम निकले। कुछ ऐसा ही कल देखने को मिला, राजनीति में उथल पुथल हो गई जब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी बात रही और उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छी कयास लगी सपा की तरफ से, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही जस के तस उन्होंने सपा को ज्वाइन कर लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। रायबरेली के भी समीकरण काफ़ी हद तक मायने रखते हैं और आज उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक रामलाल अकेला मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करूंगा। काफ़ी अनुभवी हैं सपा में और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सपा ज्वाइन कर लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रामलाल जी आपका स्वागत है। क्या सोच रहे हैं सपा, क्या सोच रही है स्वामी प्रसाद मौर्य का आना कितना फायदेमंद होगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं। जमीनी हकीकत से के दृष्टिकोण से उन्होंने सदैव वंचितों, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों और नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ से निकलकर और सामाजिक न्याय का नया इनकलाब पैदा करने का काम किया है, निश्चित रूप से रायबरेली के अंदर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। पिछड़े समाज का एक काफ़ी हद तक जो वोट बैंक है, आप मान सकते हैं उसको 5-8% का जो वोट बैंक है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बताया जाता रहा है, कितना फ़ायदा रहेगा रायबरेली के समीकरण क्या कहेंगे? देखिए, रायबरेली में निश्चित रूप से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से प्रत्येक विधानसभा में 5-10 हज़ार वोटों का इजाफा समाजवादी पार्टी को होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में सवाल वोटों का इजाफा होने न होने का कम है, सवाल इस बात का जाता है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब बहुत मजबूत होगा। और जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय चौधरी चरण सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था, वो सामाजिक न्याय का इंकलाब बहुत मजबूत होगा। और सामाजिक इंकलाब का आज रायबरेली उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में एक ही महान योद्धा है, उसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी। और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कदम से कदम मिलाकर जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं चलने का काम कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव होगा और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में इंकलाब पैदा होगा और यह इंकलाब 2024 के चुनाव में लोकसभा और दिल्ली तक जाएगा। सपा ज्वाइन करने के बाद मान मनोवल की प्रक्रिया आगे, जहां एक तरफ ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य उनको मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र लगे हुए, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है, वह केशव मौर्य जी कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने टिकते नहीं। राजनीति में कुछ लोग कृपा के आधार पर राजनीति करते हैं और कुछ जमीनी हकीकत में संघर्ष से नेता पैदा होते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कृपा की राजनीति नहीं करते, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। और केशव मौर्य जी, स्वतंत्र देव जी, इनका जो नाम लिया है, ये कृपा पर राजनीति करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने निश्चित रूप से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जवाब दिया है कि वो अपनी विचारधारा अपने पास रखते हैं, अपने अंतर्मन में विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना सम्मान है। और हम समझते हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। सपा के अंदर खाने की माने तो ऊंचाहार की जो सीट है उसको लेकर दो दावेदार आप सामने आ रहे हैं, जो आप जानते हैं। देखिए, जहाँ तक सीटों के दावेदारी का सवाल है, इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जिस विधानसभा के बारे में जो फैसला लेंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही के होने के नाते हम सब लोग उसका पालन करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसले का दायरा है उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता कि जो कद है स्वामी प्रसाद मौर्य का, बसपा में भी उसी कद का था और बीजेपी में आने पर उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, अब सपा उन्होंने ज्वाइन किया, क्या लगता है उनकी अपेक्षाएं क्या होंगी और क्या उसको सपा सह पाएगी या नहीं सह पाएगी, क्या लग रहा है आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तो उससे उनका अंतर्मन बहुत प्रफुल्लित होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत करने का काम किया था। तो वो बंदिश में थे, वो बंधन में बंधे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में मजबूरी में जाने का उन्होंने काम किया था और वो आज़ाद हो गए हैं अब वो सामाजिक लड़ाई की लड़ने के लिए। और निश्चित रूप से जो कद उनका भारतीय जनता पार्टी में दिखावे के लिए था, वो दिखावे के लिए था,
पद होने के बावजूद बंदिशों में काम कर रहे थे, आजादी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो पूरी तरीके से नेता होंगे, फैसले लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र होंगे और अच्छे फैसले लेने का काम करेंगे और उनका कद उत्तर प्रदेश बहुत आगे जाने का काम करेंगे। रायबरेली की कितनी सीटें सफल आ रही है? रायबरेली के स्वामी साहब मौर्या जी के आने से 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएंगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक रामलाल अकेला। और इस बार क्या समीकरण होंगे रायबरेली के, ये आने वाला समय बताएगा। और राजनीति की नब्ज क्या कह रही है, ये आर एक्सप्रेस आपको लगातार दिखाता रहेगा। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।